नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा लगातार देखा जाए तो अपडेट तो दिए जाते हैं, बट जो वैकेंसीज है उनका अभी कुछ अता पता नहीं है कि 65,000 से ज्यादा पद खाली हैं। विभिन्न विभिन्न अगर पदों पर देखा जाए, चाहे कॉन्स्टेबल की बात किया जाए या फिर यूपीएसआई की बात किया जाए या एएसआई की बात किया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात किया जाए, रेडियो ऑपरेटर की बात किया जाए, तमाम पदों पर कुल मिला के 65,000 पद खाली है। लेकिन कई बार ये होता है कि हाँ, योगी जी ने ये बोला है अब प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। कई बार होता है कि निविदाएं निकाली गई हैं, टेंडर निकाले गए हैं, अभी कंपनी फाइनल हो जाएगी तब आपका जल्दी हो जाएगा, बट ये एग्जैक्टली होना कब है इसका आइडिया कुछ नहीं। हालांकि इस बात को संज्ञान में लेते हुए योगी जी ने अभी हाल में एक बैठक करवाई, और ये बैठक केवल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के प्रमुख सचिव या अपर प्रमुख सचिव से नहीं करवाई है। ये तमाम आयोग, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो फिर पुलिस भर्ती विभाग हो, चाहे वो गन्ना विभाग हो, हर विभाग के अलग अलग जो प्रमुख सचिव होते हैं सबके साथ इन्होंने एक वर्चुअल बैठक की थी कल। और इस बैठक में इन्होंने बस ये बोला है कि जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं इनको बहुत तेज किया जाए। हालांकि अगर आपने न्यूज़पेपर को देखा होगा, बहुत सारी कटिंग को देखा होगा, तो इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो भर्ती प्रक्रियाएं चालू है उनको तेजी लाया जाए और दिसंबर तक कंप्लीट करवाया जाए। मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसी वैकेंसी जो हो गई है, जैसे आप लेखपाल का हो गया या फिर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में एसआई एएसआई की जो परीक्षा हुई थी उनमें सारे के सारे पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ये अब बोल रहे हैं कि जो प्रक्रिया अभी चलती आ रही है उनमें तेजी लाके दिसंबर तक एक भी बच्चा खाली नहीं रहना चाहिए, तमाम विभागों में सबको क्या कर दिया जाए, नियुक्त कर दिया जाए। दूसरी बात इन्होंने ये बोला है कि जो अब इनका एक नई चयन प्रक्रिया है, जिसमें से अभी तक क्या होता था, अलग अलग विभाग आयोगों को अधियाचन देते थे और सबसे ज्यादा समय ये अधियाचन में ही ले जाता था। इन्होंने ये बोला है कि जो आपका ई अधियाचन का कॉन्सेप्ट है, ई अधियाचन के कॉन्सेप्ट के बदौलत आप भर्ती में तेजी लेके आओ ताकि ज्यादा समय ना जाए, आपके तुरंत सामने आए कि वैकेंसी कितने खाली हैं, पद कितने खाली हैं, और आपको वहां पे उसके लिए उसके संबंधित परीक्षाएं भी जल्दी से जल्दी करवाओ। अब देखते हैं कि भर्ती बोर्ड इस पे कितना जल्दी अमल करता है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये भी अगर आप पढ़ोगे, मैं सारी चीजें इमेजेस आपको दिखा दे रहा हूँ, जो क्लियर क्लियर इमेजेस दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि योगी जी ने क्या बोला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूपी में सभी विभागों के खाली पद जल्द भरेंगे। अब जल्द कब भरेंगे, इन्होंने ये बात की है, ये बात दिसंबर तक की है। पुलिस विभाग में जारी चयन की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि जो दिसंबर तक बात किए हैं ये ऐसी पद्धतियों के बारे में बात किए हैं जो ऑलरेडी चली, जो इस समय चल रही है, ठीक है, इस समय क्या है प्रक्रिया में जारी है, उन भर्तियों की बात किए हैं, नई भर्तियों की बात नहीं किए, क्योंकि नई भर्तियों में तो अभी टेंडर ही नहीं पता चला है, तो वैकेंसी निकल के कंप्लीट होके और उनकी सारी प्रक्रिया दिसंबर तक कंप्लीट कैसे हो जाएगी वो तो असंभव है। लेकिन हाँ, अगर इन्हें टेंडर मिल जाता है या थोड़ा सा प्रेशर अगर शासन की तरफ से, योगी जी की तरफ से बनता है, तो मान के चलो कि थोड़ा बहुत भर्ती बोर्ड भी इसमें समय को थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 65,000 से ज्यादा पद हैं और ये बढ़ के ही आपके आएंगे। इन्होंने बोला है कि विभाग अपने यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया को समय से आगे बढ़ाए बार बार, और ये कई सारी चीजों ने बोला है कि आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक सितंबर में मंडी परिषद में रोड रोलर चालक व अलग अलग विभागों की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में सहायक सांख्यिकी और सहायक शोध अधिकारी 896 पदों की नियुक्ति दी जाएगी। ये अलग अलग विभागों पे बात कर रहे हैं, हालांकि हम इसमें मतलब रखेंगे केवल पुलिस भर्ती बोर्ड में, और इन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग के लिए भी इन्हें स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बार मैं आपको बता दूं कि कुल कितने पद खाली हैं यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा जो आपको तैयारी करनी है उसे करने में एक रुचि तो डेवलप होनी ही चाहिए, बिना रुचि के तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो वैकेंसीज खाली हैं वो कितनी वैकेंसी खाली हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लगभग 41,811 प्लस 10,984 आरक्षी पीएससी में, फायरमैन के 1,007 आरक्षी, विशेष सुरक्षा के 1,341 आरक्षी, महिला के 761, कुल 55,904 पद आपके केवल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में खाली है। उसके बाद जेल वार्डर के 2,833, फिर यूपीएसआई नागरिक पुलिस के 3,269 प्लस 29 बोल सकते हो कि टोटल 3,300 पद, उसके बाद यूपी एएसआई और स्टेनो के 243 से लगभग 500 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के लगभग 1,000 पद, रेडियो हेड ऑपरेटर के 2,430 पद, इसका तो फॉर्म भी भरा जा चुका है, और यूपीपी कुशल खिलाड़ी के 345 पद जिनका पेपर नहीं होता है।
इनमें ये सारे पेपर ऑफलाइन होंगे, केवल आपका कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो पेपर है इसका ऑनलाइन होने का चांस है, जिसमें 1 से 1.5 लाख बच्चे बैठने की उम्मीद है। बाकी सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिशन है वो आपका कांस्टेबल में है, और उसके बाद जो होता है वो होता है आपका यूपीएसआई नागरिक में 12 से 15 लाख। तो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा की बात कर सकते हो तो करीबन 30 से 35 लाख की प्रतिस्पर्धा आपको केवल कांस्टेबल और यूपीएसआई एएसआई में देखने को मिलती है। एएसआई में भी इन्होंने 1.5 से 2 लाख का अनुमान लगाया है, लेकिन इस बार मुझे लगता है एएसआई में भी ज्यादा जाएंगे। करीबन पिछली बार तो 75,000 से 80,000 ही थे, बट इस बार 1.5-2 लाख से हो सकता है ज्यादा फॉर्म चले जाए, अगर सब कुछ ठीक रहता, वैकेंसी ठीक ठाक आ गई तो, ये डिपेंड करेगा। बट ये वैकेंसीज है अभी आपके लिए, क्योंकि सामने कुछ नहीं आया है। टीम परीक्षा पर से बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आई थी वर्दी बैच का, कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के आगामी परीक्षाओं में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप कॉन्स्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हो, आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी करना चाह रहे हो, आप एएसआई की तैयारी करना चाह रहे हो, कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी करना चाह रहे हो, या जेल वार्डर की तैयारी करना चाह रहे हो, किसी भी पद के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, एक खास बात आपके लिए होती है कि इसमें जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। एक मैं कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर की बात हटा दूं, जहां पे कंप्यूटर थोड़ा ज्यादा पूछता है, और ऐसे एएसआई में 25 क्वेश्चन कंप्यूटर अलग से पूछता है, अगर उनको मैं हटा दूं तो बाकी सब में लगभग सारी चीजें सेम पूछता है। जैसे आप चाहे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की बात करो, चाहे आप यूपीएसआई की बात करो, या आप यूपीएसआई की बात करो, या आप जेल वार्डर की बात करो, या आप रेडियो ऑपरेटर की बात करो, इन सभी में आपके मैथ्स के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं सब में। अगर आप देखोगे तो यूपीपी कांस्टेबल में क्या होता है कि 37-38 का पूछता है, और जो 38 आपका मैथ्स वाला सेगमेंट होता है उसमें कुछ रीजनिंग भी होते हैं, मतलब 25 से 30 के बीच में आपका मैथ्स पूछा जाता है कांस्टेबल में। ऐसे ही अगर आपकी बात किया जाए किसमें, यूपीएसआई में, तो 40-40-40-40 का सेगमेंट होता है, जिसमें 40 में करीबन 25 से 27 प्रश्न आपके मैथ्स के होते हैं, बाकी रीजनिंग होते हैं। सिमिलरली यूपीएसआई में 50 का होता है, 50 पे करीबन 25 से 30 प्रश्न उसमें भी मैथ्स के होते हैं, और फिर अगर हम जेल वार्डर की बात करें तो उसमें भी पैटर्न आपका सेम है। तो 25 से 30 प्रश्न आपका सारे ही और सब में लगभग लेवल भी सेम रहता है, एक कांस्टेबल में थोड़ा सा लेवल और हल्का होता है, बाकी सब में लगभग एक ही लेवल होता है। 25 से 30 आपका मैथ्स पूछा जाता है, और सबका सिलेबस भी शब्द सा एक है, मतलब किसी शब्द में भी कोई भी अंतर नहीं है सभी एग्जाम के। ऐसे ही अगर हम जीएस की बात किया जाए, जीएस में अगर हम जीए भी इंक्लूड कर दें तो ये भी क्या है, ये भी सेम है सबका। हिंदी तो सब सारे ही, चाहे यूपीएसआई की बात करें, चाहे एसआई की बात करें, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, हम किसी भी एग्जाम रेडियो ऑपरेटर की बात करें, सब में हिंदी 100% क्या है, सेम है, और ऐसे रीजनिंग भी क्या है, 100% सेम है। अब अंतर केवल किसमें है, मैथ्स भी 100% सेम है, केवल अंतर आता है जीएस जीए वाले सेक्शन में। जैसे एएसआई में कंप्यूटर अतिरिक्त पूछ लेता है, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आपसे कंप्यूटर अतिरिक्त पूछ लेगा, ऐसे ही आपसे जो इसमें यूपीएसआई होता है उसमें आपका मानसिक अभिरुचि या बोल सकते हो मूल विधि का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आ जाता है। तो बस 4-5-10 क्वेश्चन का फर्क आता है, बाकी सब में सेम रहता है। इस कारण से जब देखा जाए कि ये चार पोर्शन है, तो टीम परीक्षा प्रश्न ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि आप लोगों के लिए एक वर्दी बैच लेके आया जाए, जो मिनिमम प्राइस 499 में, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बोल सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बहुत बेहतरीन क्लास इसमें चलाई जाएगी, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीए, करंट अफेयर्स और आपका हिंदी, इन चार पोर्शन पे बहुत बेहतरीन आपके 1 अक्टूबर से क्लासेस चल रही है। इस बैच की खासियत ये है कि अभी आपको ये एज अ एक इंट्री बैच है। इंट्री बैच मतलब ये कि आपको हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी करनी हो, आगे आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी हो, या आगे आपको यूपीएसआई की रेडियो ऑपरेटर की तैयारी करनी हो, या फिर आपको किसी की भी तैयारी करनी हो, आप इस बैच में अगर जुड़े होंगे, जिस समय वो वैकेंसी आएगी आपको उस बैच में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लाइव बैच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी आपका वार्म अप की तरीके से बहुत बेहतरीन तैयारी, सारे जितने भी पुलिस भर्ती बोर्ड में जितने भी पद हैं सबको लेके एक समग्र तैयारी इसमें कराई जाएगी। मतलब आप बोल सकते हो कि इस बैच से जुड़ने का फायदा आपका ये है कि आप एक एक इंट्री बैच में जुड़ रहे हो, जिसमें आप शुरू से ही मैथ, रीजनिंग और जीएस और हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। फिर आपका जब बैच आएगा या वैकेंसी आएगी तो उसके लिए जो टारगेट बैच बनेगा वहां पे आपको सीधा एंट्री दे दिया जाएगा, सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको वहां पे कोई शुल्क लेने की जरूरत नहीं है। भले ही उस बैच का शुल्क 1200-1500 तब भी आपके इसी फीस से क्या हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है, जिसमें आपके लिए जो क्लासेस चल रही है वो क्लासेस आपकी 1 अक्टूबर से, कब से, एक पहले ये मैंने आपको पहले बोला था कि 25 सितंबर के बाद इसका कब से चलेगा मैं आपको बताऊंगा,
आज 26 सितंबर डेट है, तो ये इसको डेट बताने का और बैच चालू करने का समय आ गया है। तो 1 अक्टूबर से प्रॉपर क्लासेस चल जाएंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस होंगी। इसी में इनकी क्या होगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाया करेगी, साथ में आपको स्टडी मटेरियल इसके नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे और इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम की डेट तक होगी, जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो उसका। तो ये कुछ दिन का केवल ऑफर है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है, जल्दी से इस बैच में अगर जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यदि इसके अतिरिक्त आपकी कोई समस्या है, कुछ भी जानकारी चाहते हैं, तो आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे हमारे जो नंबर चल रहे हैं इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9450006007 इस पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप 9129697080 पे कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बैच से जुड़ने के लिए परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।